नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या सेन। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सुर्खी से है, जहां भाजपा ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को सुर्खी से पुनः टिकट दिया है। बता दें कि गोविंद सिंह राजपूत ने जैसी नगर के बड़े महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और सुर्खी से हमारे कार्यकर्ता चुनावी जंग में जाने को तैयार हैं। वहीं कहा कि कार्यकर्ताओं के पास विकास के अनेक मुद्दे हैं और हमारा तो घर घर से नाता है। भाजपा इस बार पूरे प्रदेश में बहुमत के साथ 150 से अधिक सीटें लाएगी और सरकार बनाएगी। देखिए, चुनाव का बिगुल बज चुका है, पूरे मध्य प्रदेश के साथ सुर्खी विधानसभा में बज चुका है। हमारे कार्यालयों के उद्घाटन हो चुके हैं, कार्यकर्ता पूरे तरीके से मैदान में जंग में जाने के लिए तैयार हैं। कार्यकर्ता के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, प्रदेश सरकार के विकास के हैं, मेरे द्वारा किए गए विकास के हैं, काम के हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा घर घर से नाता है और रिश्ता निभाना आता है। घर घर से परिवार जैसा संबंध है। सुर्खी हमारा एक परिवार है और परिवार के लोग एक परिवार की भांति चुनाव लड़ेंगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देंगे।